नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। नाउ गाइस, वेलकम बैक इन दिस सेगमेंट ऑफ सिन्हा क्लासेस। गाइस, आज जो मेरा कंटेंट है वो आज की तारीख ही है, 15 दिसंबर, 15th of December। क्या भारतीय इतिहास में इस तारीख का कोई महत्व है? तो जी हाँ है, क्योंकि आज हम सभी भारतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाते हैं, साथ ही उनके द्वारा किए गए महानतम कार्यों का स्मरण करते हैं। जो आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक पर्पस है वो ये भी है कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत उच्च स्तर के वकील भी थे, एडवोकेट भी थे, और उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की थी वकालत के क्षेत्र में भी। तो मेरा मानना है कि मैंने आपसे पहले कहा था, आई एम अ क्लैट स्टूडेंट एंड अगर मैं इस मार्ग में सफल होता हूँ, इस क्षेत्र में सफल होता हूँ, तो निश्चित रूप से सरदार पटेल जी ही मेरे प्रेरणा स्रोत होंगे एंड मैं भी सत्यता, निष्ठता और न्याय को के पक्ष में ही सदा खड़ा रहूंगा, ऐसी मेरी धारणा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि 15-20 मिनट के इस वीडियो से या इस वीडियो के माध्यम से सरदार पटेल के द्वारा किए गए अभूतपूर्व महान कार्यों का वर्णन कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो मैं बिल्कुल मोटे मोटे बिंदुओं पर रहूंगा और मोटे मोटे बिंदुओं पर ही बात करूंगा। तो आइए समझते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन को और उनकी जीवनी को। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड नाम के एक छोटे से गांव में गुजरात राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और बचपन से ही वो बहुत तेज स्टूडेंट, होनहार विद्यार्थी रहते हैं। और एक समय बीतता है, समय का एक पहर, एक दौर बीतता है, उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं एंड वहाँ सिंगल माइंडेड होकर, एकदम डेवोटेड होकर, पूरे डेवोशन के साथ बैरिस्टर की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड नो डाउट ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ बैरिस्टर एट लॉ। और साल 1913 में वो वापस इंडिया आते हैं। जब वो भारत वापस आते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के सफलता से। और फिर कूद पड़ते हैं वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स में, और मौका मिलता है गांधी जी का करने का। साल 1917 जब खेड़ा मूवमेंट हुआ था, क्लास 10 के स्टूडेंट्स अगर कुछ गए उसके बीच में है ये, तो खेड़ा आंदोलन में जैसा आपने पढ़ा है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो खेड़ा जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ एक तो पहले वो सुखाड़ फैमिन से झेल रहा होता है, फिर वहाँ के कई परिवार के लोग कॉलरा से, प्लेग से पीड़ित होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, और वैसी ही परिस्थिति में लगभग 23% टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो गांधी जी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलते हैं माननीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी, और फिर वो आंदोलन सफल होता है और 1919 में अंग्रेजी हुकूमत विवश हो जाती है टैक्स रिड्यूस करने में। इस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल एक नेशनल हीरो की तरह उभरते हैं जीवन में और भारत के इतिहास में, भारतीय समय में। तो फिर एक समय आता है साल 1925 का, जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था, वहाँ भी कुछ ऐसी ही घटना थी कि एक तो वो काफ़ी गरीब तालुका हुआ करता था बरदौली, और वहाँ पर भी अंग्रेजी सरकार ने लगभग 30% टैक्स बढ़ा दिए थे। तो पटेल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और साल 1928 में जब यह आंदोलन सफल हुआ बरदौली सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर एक
समय आता है जब साल 1932 का, जहाँ तक मुझे याद है, तो फिर वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजी सरकार के द्वारा जेल भेज दिया जाता है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर हो जाती है उस समय। और वो एक मौका होता है जब गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल थोड़ा करीब आते हैं। फिर कुछ समय के बाद, लगभग मेरे ख्याल से 3 साल जेल में रहने के बाद, उनकी रिहाई होती है, उन लोगों की रिहाई होती है। और एक समय आता है 1942, आपने सुना होगा ये, जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी सरदार पटेल जी का योगदान होता है। लेकिन उस समय तमाम जो भारतीय नेता थे, भारतीय जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा वापस जेल में डाल दिया जाता है। और फिर आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी का तांता खींचा जाता है, कहाँ खींचा जाता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है। तो आज मैं इसके दो प्रमुख बातों का उल्लेख करूँगा जिसमें पटेल जी की बहुत अधिक भूमिका है। उन बातों को मैं ज़्यादा आज उसका वर्णन करूँगा। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ था, उसमें जो दो प्रमुख बातें थी, आज बोर्ड पर मैं लिखना चाहूँगा वो। सबसे पहला वो ये था कि इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों ही अधिराज्य होंगे। दूसरी जो बड़ी बात थी वो थी प्रोविंशियल स्टेट्स जो थे, प्रोविंशियल स्टेट्स, या आप प्रिंसली स्टेट कह सकते हैं, प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, वो लगभग भारत के ज्योग्राफिकल नक्शे के लगभग 40% हिस्सों में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, रियासतें थी वो भी। तो जो दो प्रमुख बातें थी वो ये थी, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य थे और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन सबको 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने एक पेच छोड़ दिया था, वो पेच क्या था उसको समझिए आप। प्रिंसली स्टेट्स पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं था इन पर कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर वो खुद ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और साथ ही जो पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। इनके साथ ही इन जिम्मेदारियों के साथ ही रियासत मंत्रालय जो था, रियासत मंत्रालय या विभाग कह रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के खाते में ही गया। टायरलेसली लगातार एफर्ट करते हुए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस विभाग को भी संभाला और पूरे भारत को एकीकृत करने का काम किया। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो काम आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, इटली में गॉसिपी मैजनी कर रहा था 1832-1769 के दौर में, जो काम काबूल कर रहा था, जो काम विक्टर एमैनुअल कर रहा था, जो काम 1870-71 के आसपास जर्मनी में चांसलर बिस्मार्क कर रहा था, ठीक वही काम आजादी के बाद हमारे स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल जी कर रहे थे इंडिया में, ठीक वही काम। तो मेरा मानना है कि सबसे कठिन काम अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो है किसी से अपनी बात मनवाना, किसी को अपनी बात में मिलाना, किसी को एकदम अपनी तरफ खींच लेना। ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बखूबी निभाया। दंग रह जाएंगे आप सुनकर कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था लगभग 565 रियासतें थी, आई मीन टू से 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, और इनको मिलाने का काम बखूबी निभाया, इनको भारत से मिलाने का काम बखूबी निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इतना महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। आज कहते हैं कि अगर हम लोग
कह पाते हैं गर्व से कि उत्तर प्रदेश हमारा है, हैदराबाद हमारा है, बिहार हमारा है, तो कहीं ना कहीं यह क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है। इतना ही नहीं, समय के एक दौर में जब वल्लभ भाई पटेल जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उन्होंने अपने जीवन में कई मानवीय कार्य किए। अगर उनमें से हम लोग देखें तो अनटचेबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, इनके संबंध में भी, इस संदर्भ में भी उन्होंने कई कार्य किए और प्रशंसनीय कार्य किए। तो आज ये समझना बेहद जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग भी जब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मानवीय कार्य कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमें भी इनका पालन करना ही चाहिए। तो आइए एक प्रॉमिस करते हैं खुद से आज के दिन, इस दिन सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि के दिन, कि हम सभी भारत की एकता और अखंडता को सदैव बनाए रखेंगे। हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की थोड़ी सी भी चर्चा हो, या हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा भी बढ़ावा मिले। आज इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि कानून का सम्मान होना ही चाहिए। हम सभी अगर भारत देश में रहते हैं तो हमें भारतीय संविधान की, इंडियन पेनल कोड की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने जीवन के अंतिम सांस तक यह प्रयास करना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि भारतीय कानून का या भारतीय संविधान का कहीं पे भी उन्हें ठेस पहुंचे या उनकी अवहेलना हो। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाया पूरे भारत में और इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। और जब मैंने एक जिक्र किया ना खेड़ा आंदोलन के बाद जो नेशनल हीरो बनकर उभरे, और फिर जब बरदौली सत्याग्रह हुआ उसकी जो सफलता हुई, उसके बाद ही गांधी जी ने उन्हें सरदार का टाइटल दिया था, सरदार के शीर्षक से उन्हें नवाजा था। और फिर जब उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया तब उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। कहते हैं कि जब वो रियासत के राजाओं से बात करने के लिए जाते थे तो एक हाथ में वो मिठाई लेते थे और एक हाथ में डंडा लेकर जाते थे वो, कि अगर मिठाई से ना माने तो फिर डंडा है, ये था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व का व्यक्ति जो इतना भारतवाद, मैं तो कहूँगा भारतवाद जो अपने लेकर साथ चलता हो, तो क्यों नहीं हम सभी आज की तिथि को एक महत्वपूर्ण तिथि माने अपने जीवन में। और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, इस दिन को घोषित किया गया है। और हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाते हैं, जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी अगर भारत के संविधान का, भारत के कानून का पूरा सम्मान करेंगे और सदैव भारतीय कानून में अपनी दिलचस्पी रखेंगे और भारतीय कानून में अपना समर्थन देंगे, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी एक सुदृढ़ और एक बेहतरीन राष्ट्र, जो हमारा भारत बनने की ओर अग्रसर है, कहीं ना कहीं हमारा पूरा योगदान उसमें होगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहीं एंड करता हूँ, रोकता हूँ, और जल्दी हम सिन्हा क्लासेस के एक अगले सेगमेंट में मिलते हैं। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।